भारत ने 6 कनाडाई डिप्लोमेट्स को 19 अक्टूबर तक भारत छोड़ने को कहा है। कनाडा ने भी भारत के 6 डिप्लोमेट्स निकाल दिए हैं। भारत सरकार ने कनाडा में अपने हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा को भी वापस बुलाया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमें कनाडाई सरकार पर भरोसा नहीं है कि वो उन्हें सुरक्षा दे पाएगी। कनाडा ने भारतीय डिप्लोमेट्स को एक मामले में संदिग्ध बताया था। इसे खालिस्तानी आतंकी निजब की हत्या केस से जोड़कर देखा जा रहा है। भारत में कनाडा के डिप्टी हाई कमिश्नर स्टुअर्ट व्हीलर ने विदेश मंत्रालय से बाहर निकलने के बाद कहा कि हमने कनाडाई जमीन पर अपने नागरिक की हत्या में भारत के एजेंट्स के शामिल होने से संबंधित पुख्ता सबूत मुहैया करवाए हैं। अब देखना है कि भारत इन आरोपों पर क्या कार्रवाई करता है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज किया है।